Jugya. I'm a graphologist, numerologist, vastu consultant and a logo designer. आज बात करूंगी आप लोगों के संग किचन की. किचन अगर हमारी रॉन्ग दिशा में आ जाए या गलत दिशा में आ जाए तो क्या करें, सही दिशा क्या है और गलत दिशा में आती है तो उसकी रेमेडी क्या है. पहले शुरुआत करते हैं कि अगर हमारी किचन गलत दिशा में आ रही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या साउथ वेस्ट में आ रही है, तीनों दिशाएं जो है वो किचन के पर्पज से गलत है. जब किचन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि हम पूरे किचन की बात नहीं करते, हम जो हमारा चूल्हा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. अब अगर आप ध्यान दें कि अगर ये चूल्हा वहां आ रहा है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगी. आपके संग बीपी इश्यू बढ़ सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, अग्रेशन भी बढ़ सकता है, गुस्सा आने लगेगा अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पर, खर्चे बढ़ जाएंगे, अननेसेसरी जगह पे खर्च होने लगेंगे. आपको लगेगा इसकी बहुत ही जरूरत है, ये मुझे अभी चाहिए, आप खरीद लेंगे, बाद में रियलाइज करेंगे इसकी जरूरत तो थी नहीं मुझे. अननेसेसरी एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं ये होने लगते हैं. मान सम्मान रिस्पेक्ट में कमी आने लगती है. साउथ वेस्ट में अगर हमारा किचन हो जाए तो क्या होता है, अननेसेसरी हेड ऑफ द फैमिली जो होगा, मैं अर्निंग मेंबर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो भी उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसकी तबीयत हेल्थ इश्यूज में अफेक्ट आएगा, बीमार रहने लगेगा. लिटिगेशन उसके ऊपर लोग मिसअंडरस्टूड करेंगे, लिटिगेशन लग सकता है, लीगल इश्यू शुरू हो सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज अगर साउथ वेस्ट में आ रहा है तो हो सकती है. तो ये तीन जोन हमें अवॉइड करने हैं. अब हमें कौन से जोन किचन के पर्पज से हमारे लिए अच्छे हैं, एक है साउथ ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट भी हमारे लिए किचन के पर्पज से अच्छा है. अब अगर हमें साउथ ईस्ट में किचन आता है क्योंकि अग्नि का ही कोण है, अग्नि का ही जोन है, तो हमें फायदा देके जाएगा, बेस्ट माना गया है. पर अगर आप नॉन वेज कम बनाते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपके अंडा फिश कोई भी नॉन वेज बनता हो तो आप अपना किचन साउथ में रखें. अब किचन में कभी भी मेडिसिन ना रखें. मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट करती हूं क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ. अब अगर हम किचन में मेडिसिन रखते हैं तो क्या होगा कि हमारा बार बार मन करेगा, हम उसे एक ऐसा हैबिट खाने लगेंगे विच इज नॉट गुड. तो ये हमें अवॉइड करना है. किचन में कभी ब्लैक ग्रेनाइट, ब्लैक स्टोन नहीं लगाना है. अदरवाइज क्या होगा, लेडी ऑफ द हाउस या कोई भी कुक में जो भी वहां पे काम कर रहे हैं उनके बैक पेन इश्यूज रिलेटेड होने लगेंगे, बढ़ जाएंगे, पैर में पेन बढ़ जाएगा. तीसरा आता है, अब मैं वापस आती हूं कि आंटी अगर हमारे वहां पे किचन आ गया तो हम क्या करें. इससे पहले एक चीज और बता दूं कि किचन में जब गैस स्टोव होता है, जो चूल्हा है वो, और पानी यानी कि सिंक या वाटर फिल्टर जो भी है, वो कभी एक रूम में नहीं होना चाहिए. ये भी एक दोष है. हो सके तो अपना चूल्हा की जगह आप चेंज कर लीजिए. अब अगर हमारा आ ही जाए तो हमें क्या करना है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में किचन, तो आप जो है वहां पे एक ब्लू कलर का 0 वॉट का बल्ब जला दीजिए. एक जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आपके घर में, मिक्सी, ग्राइंडर, ओवन, माइक्रोवेव, वॉट एवर जो भी हैं, उनके नीचे ब्लू कलर का मैट लगा दीजिए. आप देखेंगे कि ये चीजें करने से आपको काफी फायदा मिलेगा. और जो भी आपको फायदा मिले या जो भी आपका फीडबैक हो, प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें. थैंक यू एवरीवन. आई होप ये आपके लिए काम आए. टेक केयर, स्टे सेफ.